यहाँ पर मौजूद सभी मेरे बड़े बुजुर्ग और भाई सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज आपके गांव में जो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हमने देखा, दिल बहुत खुश हो गया। ये मेरी छोटी बहन है, आपके प्रत्याशी जो है मदन भैया उनकी बेटी है। इसकी बहुत तमन्ना थी ट्रैक्टर पे बैठने की, तो आप सबने वो भी पूरी कर दी और सभी को बहुत अच्छा लगा। आपने इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया। आपके इलाके से हमारा पुराना जुड़ाव रहा है। मेरे वालिद साहब यहाँ से आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे 2004 में, और जैसा जावेद भाई बता रहे थे कि खतौली से 60,000 से वो लीड लेकर चले थे। आपने जो उन्हें प्यार दिया, आपने जो उन्हें प्यार के रूप में लीड दी थी, वो आखिर तक उनकी कट नहीं पाई थी और वही उनके जीत का कारण बनी थी। तो आप लोग इस तरीके से चुनाव लड़ना और जितवाना जानते हैं, ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि ये जो ताल्लुक है आपका और हमारा, इसको दोबारा ताज़ा करिए और दोबारा उसी तरीके से, उसी जोश और जज्बे के साथ, आप उसी तरीके की लीड लेकर आपके यहाँ से प्रत्याशी मदन भैया को उतना ही ताकत से चुनाव लड़ाइए, उतनी ही लीड देकर यहाँ से भेजिए और जिताने का काम कीजिए। ये आपके जो प्रत्याशी है, ये मेरे वालिद साहब के दोस्त भी रहे हैं, उनकी बेटी मेरी दोस्त है, लेकिन और ये उसी तरीके से उन्हीं की तरह निडरता के साथ और उसी तरह लगनशीलता के साथ आपका काम करेंगे, आपकी आवाज़ उठाने का काम करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्योंकि चुनाव में टाइम बहुत कम मिला था तो हर जगह वो पहुंच नहीं पाए। आज यहाँ पर आज हम लोग आपके बीच हैं, उनका परिवार आपके बीच है, इसी को आप उनकी हाजिरी समझिएगा। और ये चुनाव अब बिल्कुल करीब आ गया है, 2 दिन का ही टाइम है, तो आप लोगों से मेरी अपील है कि इसको अपना चुनाव समझ कर लड़े। ये चुनाव आपके हमारे लिए बहुत